हम कैसी भक्ति करें जिससे हमारा प्रभु प्रसन्न हो जाए। देखिए, भक्ति क्या करती है? भक्ति जीवन को पवित्र करती है। भक्ति का अर्थ है किसी के हो जाना। ना हमने पढ़कर सीखा है, ना हमने सुनकर सीखा है। जीवन में जो भी सीखा है किसी के होकर सीखा है, किसी के हो जाओ बस। आप सभी दोस्तों को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। एक बार सुबह सुबह यशोदा मैया ने अपने लाला को नहला धुलाकर तैयार किया। नन्हे कान्हा को पीला झबला पहनाकर सुनहरी डोर से उसे बांध दिया। नन्हे नन्हे पैरों में पायल पहनाई और हाथों में बाजूबंद पहना दिए। घुंघराले बालों पर एक चोटी बांधकर उस पर सुंदर मोर मुकुट भी सजा दिया। कमर पर सोने की करधनी बांधी है और मस्तक पर कस्तूरी चंदन का सुंदर तिलक लगा दिया है। यशोदा मैया ने जैसे ही कान्हा के सुंदर नैनों में काजल लगाया और हाथ में मुरली थमा दी तो देखिए, लेकिन कान्हा ने गजब कर दिया। कान्हा बाल कृष्ण भागते हुए खेलते खेलते आंगन में गए और जमीन में लोट लोट कर सारा शरीर ब्रज रज से धूल दूषित कर लिया और हंसते हंसते मैया यशोदा के सामने आकर खड़े हो गए। उनके आगे दो छोटे छोटे दांत गोल मटोल मोटे मोटे गालों के बीच से दिखाई दे रहे थे। कान्हा जी की इस अद्भुत और अलौकिक मोहिनी छवि, ये वही छवि थी जिस छवि पर ही तो सूरदास श्री हरिदास रसखान और न जाने ब्रज के कितने रसकों ने अपना सारा जीवन न्योछावर कर दिया था। अचानक कन्हैया मैया के सामने आकर बोले, मैया ओ मैया, बताओ ना मैं कैसा दिख रहा हूँ। कान्हा ने शरारत से हंसते हुए फिर पूछा। मैया ने देखा तो अचंभित हो गई। कहाँ तो थोड़ी देर पहले का श्रृंगार और कहाँ अब यह भूत वाला वेश। कान्हा का पूरा शरीर वस्त्र और श्रृंगार सब ब्रजरस से भर गया था। मैया ने अपने सिर पर हाथ पटका और मैया का अचंभित मुख देखकर कान्हा ने शरारत से हंसते हुए फिर से पूछा। तो गुस्से से मैया ने आव देखा ना ताव अपनी छड़ी उठाई और उसे लेकर कान्हा के पीछे दौड़ी। अभी बताती हूँ कैसा दिख रहा है तू। सुबह से अपना सारा कामकाज छोड़कर तेरे श्रृंगार करने में लगी हूँ और तू माटी में लोट के पूछ रहा है कैसा लग रहा हूँ। मैया फिर बोली, बाहर देखो, गोपियाँ तेरी एक झलक पाने के लिए अपने घर के सभी काम को छोड़कर न जाने कब से खड़ी हैं और तू मिट्टी में लोट पोट कर खड़ा हो गया आकर। तेरी शरारत से तो ऐसा लगता है कि पिछले जन्म में तू सुअर होगा। सुअर जब का कन्हैया सोचा कि मैया तो बहुत बड़ी ज्योतिषी है, उसे मालूम है कि एक बार मैंने बड़ा अवतार भी धारण किया था। अब कन्हैया आगे आगे भाग रहे हैं और मैया छड़ी लेकर पीछे पीछे दौड़ रही है। मैया कान्हा को पकड़ने ही वाली थी कि तभी कान्हा मैया को फिर से मुंह चिढ़ाकर भाग गए। मैया दौड़ते दौड़ते थक गई और बैठकर आंसू बहाने लगी। अब कन्हैया ने सोचा कि अब मैया को ज़्यादा सताना ठीक नहीं है। कान्हा ने प्यार से मैया के पास आकर मैया की ठोड़ी पकड़कर मैया का मुख अपनी ओर किया तो देखा कि मैया की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तब कन्हैया ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से मैया के आंसू पोंछते हुए बोले, रूठो मत मैया, ये सब मैं तुम्हारे लिए तो करता हूँ। मैया बोली, तू मेरे लिए माटी में लौटता है, तुझे क्या मिलता है मुझे ऐसे सताने में। अब कन्हैया बड़े मासूम और बड़े भोलेपन से अपनी तोतली भाषा में कहते हैं, देख मैया, तू मेरा बहुत ही सुंदर श्रृंगार करती है, लेकिन अगर इतना सज धज कर मैं गोपियों के सामने जाऊंगा तो ना जाने गोपियां मुझे कितनी नज़र लगा देंगी, और अगर मैं बीमार पड़ जाऊं तो फिर तू रो रो कर मुझे कभी किसी वैद्य के पास तो कभी किसी बाबा के पास लेकर घूमती रहती है। मैं तुम्हें परेशान होकर रोता हुआ नहीं देख सकता हूँ मैया। मैया इसलिए मैं माटी में लोट पोट कर सूरत बिगाड़ लेता हूँ। और सुन मैया, अब देखो
कन्हैया और भी ज्यादा मासूमियत से बोले, बहुत सी गोपियाँ मुझे गोद में उठाती हैं, बहुत सी गोपियाँ मुझे चूमती हैं, तो किसी गोपी की नज़र मुझे न लग जाए और मैं बीमार न पड़ जाऊँ, इसलिए मैं अपना श्रृंगार बिगाड़ लेता हूँ ताकि तुझे कोई परेशानी न पड़े मेरी भोली मैया। कान्हा के तोतले वचन सुने तो मैया के हृदय से गुस्सा तो मानो फुर्र हो गया और हृदय प्रेम से फूला न समाया। अब तो मैया कन्हैया को अपनी गोद में लेकर उनके मुख को चूमती रही, फिर एक तिनका लेकर कन्हैया के ऊपर से फिरा फिरा कर नज़र उतारी और नारायण को प्रार्थना करी कि मेरे लाल कन्हैया को किसी भी बुरी बला की नज़र न लगे। और वह कान्हा जी को भवन के भीतर ले गई। बाहर खड़ी गोपियाँ कृष्ण दर्शन के विरह में तड़प रही थीं। इस लीला से कन्हैया ने गोपियों को विरह का आनंद प्रदान किया था। कितने ऐसे रहते होंगे, कितने इतराते होंगे, जाने कैसे वो लोग होंगे जो उसको भाते होंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको कथा अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। श्री राधे।